नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। विजय तिलक। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2017 की मोदी लहर में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज की थी। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हम यूपी की सभी विधानसभा सीटों का एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। बाईस में किसके सिर सजे का ताज, कौन होगा सूबे का सरताज? ब्राह्मण ओबीसी यादव या किसान करेंगे बेड़ा पार? कमल हाथी साइकिल हाथ, किसकी होगी जीत किसकी होगी हार? अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और वोटर्स को लुभाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव को देखते हुए राज्य में हर पार्टी वोट के लिए किसी न किसी जाति या समुदाय को अपनी तरफ करने में लगी है। क्या यूपी चुनाव में चलेगी जेसीबी? क्या यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार जेसीबी चलेगी? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर पार्टी किसी न किसी जाति या समुदाय को लुभाने में लगी है और इससे लगता है कि यूपी में इस बार सी यानी कि जाति वाला फॉर्मूला चलेगा। जे का मतलब होता है जाट। जेसीबी में जे का मतलब है जाट। बीजेपी को लगता है कि किसान आंदोलन की वजह से जाट समुदाय उनसे नाराज है, इसलिए बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है और जाटों को खुश करने के लिए बीजेपी सरकार अब अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बनाने जा रही है। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास भी करेंगे। यहाँ बी का मतलब है ब्राह्मण। बी यानी ब्राह्मण। यूपी में ब्राह्मणों को लुभाने मायावती से लेकर अखिलेश यादव तक सभी जुटे हैं। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन में मायावती ने कहा है कि सरकार बनाने पर ब्राह्मण समाज की सुरक्षा, सम्मान और तरक्की का ध्यान रखा जाएगा। समाजवादी पार्टी की भी ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर है। पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन लगातार कर रही है। बहुत सोच समझकर कदम रख रही बीजेपी। यही वजह है कि किसान आंदोलन की वजह से घिरी सरकार यूपी चुनाव में हर कदम फूक फूक कर रख रही है। किसानों को जाटों का समर्थन है और यूपी चुनाव से पहले जाट समुदाय को लुभाने की कवायद भी तेज हो गई है। पीएम मोदी के अलीगढ़ दौरे से पहले सीएम योगी अलीगढ़ पहुंचे और वहां 14 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लिया। तमाम पार्टियां भी जाति समीकरण साधने लगी। यूपी में बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के बाद अहम बैठक हुई। इसके लिए मंडल स्तरीय नेताओं और कोऑर्डिनेटर्स को बुलाया गया। फीडबैक और सियासी समीकरणों के साथ साथ प्रत्याशियों पर मंथन हुआ और इसके बाद जानकारी मिली कि यूपी में प्रभारी बनाए गए हैं, वो भी धर्मेंद्र प्रधान। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे का दूसरा दिन रहा और वो सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित किया। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी की थी। वहीं 12 सितंबर से सपा का प्रबुद्ध सम्मेलन फिर शुरू होगा, यानी दूसरे चरण के प्रबुद्ध सम्मेलन का आगाज औरैया में होगा और 19 सितंबर को बांदा में समापन किया जाएगा। तो प्रबुद्ध सम्मेलन, तिरंगा यात्रा। तो 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार ये तैयारियां देखी जा रही हैं। ऐसे में हमारे सहयोगी ने भी जाकर जगह जगह पर लोगों के बीच पहुंचकर जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर जनता के मन में क्या चल रहा है। वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी समीकरण को सजोने में लगी हुई हैं। इसी पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि इनकी क्या राय है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश वर्मा।
2022 का जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है? अच्छा खासा पैकेज काट के उन्होंने पूरा अभी इस वक्त महसूस बताया नहीं जा सकता, लेकिन जो चल रहा है मेरी नज़र में ठीक ही चल रहा है। इस वक्त तो पार्टी काम कर रही है, ठीक करती आ रही है, और ये थोड़ी बहुत आपदा तो लगी रहती हैं, उसका भी सामना किया है, और अब के तो बहुत ही ज़्यादा आपदा आई हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए पार्टी चल रही है, मैं समझता हूँ फिलहाल ठीक चल रही है, ठीक ही कार्य कर रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रबुद्ध सम्मेलन करने में लगी हुई हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में कोई एक जाति आने वाले चुनाव को तय करेगी किसकी सरकार बनेगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण जाति के ऊपर अगर हम किसी बात को सौंप दें तो ये ठीक नहीं होगा। अकेली ब्राह्मण जाति के ऊपर ही टोटल चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, सारी जातियाँ होती हैं, सभी का उसके अंदर सहयोग होगा, जब निर्णय बनेगा निकल कर आएगा। इस वक्त इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता कि साहब एक ही जाति पर निर्णय रख दिया जाए सारा, ये ठीक नहीं होगा मेरी नज़र। देश में सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है, आए दिन सिलेंडर के रेटों की अगर बात करें तो बढ़ते रहते हैं, घटने का तो कोई नाम अभी है नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो गृहणियाँ होती हैं उनको किचन चलाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, महंगाई ज़्यादा है कम है, आपका क्या कहना है इस पर? देखो जी, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मार्केट में देखा जाए तो मार्केट में बिजनेस का भी स्लैम्प बहुत कम है, और जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार जो है बीजेपी की आएगी, 101% बीजेपी की आएगी, क्योंकि सभी जातियों का रोल मोमडेंस के अलावा सभी जातियों का रोल, सभी और लोगों का रोल कि बीजेपी की तरफ है, बीजेपी के रुझान की तरफ है। बीजेपी ने देश में डेवलपमेंट बहुत किया है, नई नई हाईवे निकाले हैं, लेकिन जो है गवर्नमेंट बहुत मजबूत है, मोदी जी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, देश का भविष्य अच्छा है। एक मुद्दा है बिजली के बिल को लेकर, क्योंकि केजरीवाल ने अब एंट्री कर दी है उत्तर प्रदेश में, वो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से यूनिट उत्तर प्रदेश में आ रही हैं तो पहले की उसमें तादाद में अब बिल ज़्यादा है या पहले कम आता था? दिल्ली में क्या दे रहे हैं वो, 200 यूनिट तक दे रहे हैं, और हर 200 यूनिट से ज़्यादा ही फूकती है सबकी, तो बिल तो पूरा ही पे करना पड़ रहा है सभी को, वहाँ पर भी फ्री थोड़ा ही है कहीं कुछ। यहाँ पे कहो ना, यहाँ पे तो करना पड़ा फ्री, आप यहाँ पे यहाँ होना चाहिए या केजरीवाल ही आना चाहिए? फ्री कैसा हो जाएगा? हाँ केजरीवाल यहाँ पर जब फ्री होगा, बाप की बिजली बन रही है, उसके यहाँ बिल बन रही है ना बने, वो सुविधा तो दे ही रहा है, सुविधा तो दे ही रहा है, तुम्हें तो कुछ मिल ही ना रहा, क्या मिल रहा है? चक्कर में कुछ नहीं है, फ्री कुछ नहीं है, गवर्नमेंट उसी में से निकालती है। जहाँ तक 200 यूनिट तक का फ्री का बात है, 200 यूनिट से लोगों को ज्यादा फूकती है, उससे फ्री का चक्कर है, फ्री के चक्कर में राशन भी मार्केट में फ्री के चक्कर में देखने के लिए देश में जो है बेड़ा गर्क हो रहा है, देश में बेड़ा गर्क, ये फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो सही पार्टी है बीजेपी, सही पार्टी है, बीजेपी का समर्थक होना चाहिए। एक चीज फ्री दे रहे हैं तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पैसे बढ़ाएंगे वो। उत्तर प्रदेश में कहा गया था कि गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा, आपको लगता है गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाया? देखिए गड्ढा मुक्त की जहां तक बात है कि वो तो हाईवे तो इन्होंने बढ़िया तरीके से बना दिए हैं, शहर से बाहर की जो सड़कें वो बना दी हैं, लेकिन शहर के अंदर की जो सड़कें हैं वो बहुत गड्ढे वाली हैं, खराब सड़कें हैं, लोगों का निकलना बढ़ना आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, बहुत परेशानी पैदा होती है, इसमें कोई वो नहीं है। शहर के अंदर की सड़कें बहुत नहीं है, यहाँ के चेयरमैन साहब ने भी कुछ काम करके नहीं दिया, लेकिन बाहर की जो सड़कें हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन शहर के अंदर की सड़कें बिल्कुल डिस्टर्ब। आप बताइए, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको लगता है कि ये सरकार रोजगार दे पाई? ये सरकार रोजगार का प्रयास तो इसने किया ऊपर अपने क्षेत्र से, लेकिन हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं, खास तौर से शहर के नगर पालिका अध्यक्ष ने, शहर में कोई विकास का कोई कार्य नहीं किया, जिससे हमारी बुलंदशहर की जनता बहुत ज़्यादा रुष्ट है, क्योंकि हर एक जगह सड़क का कोई विकास नहीं हो पाया शहर में, तमाम कमीशन खोरी में ही मामला सब खत्म कर दिया इन्होंने जो, और जितने नाले वगैरहों की कागजों पे ही चार चार बार सफाई करा दी, और सगले बिल टेंडर पास हो गए, अपने आदमियों को टेंडर दे दिए गए, और तमाम उनके बिल के भुगतान जो है फ्री में कागजों पर ही कर दिए गए। इसमें आप किसका फॉल्ट मानते हैं, प्रदेश सरकार का, जिला एडमिनिस्ट्रेशन का? देखो जिला मतलब इसमें जो है इन सब लोगों ने मतलब वो रहा है भाई, ऊपर से जो लोग बैठे हुए वो तो बढ़िया हैं, लेकिन नीचे जो जनप्रतिनिधियाँ जो नियुक्त किए हैं वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेकार है। रोजगार पे आप क्या बोलना चाहेंगे, नीचे का जो तबके के लोग हैं
वो आज की तारीख में बहुत परेशान है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार को क्या करना चाहिए? ऐसा है, सरकार को सबसे पहले तो शिक्षा और चिकित्सा, ये दो सुविधाएं फ्री करनी चाहिए। बाद बाकी जो फ्री सेवाएं दे रहे हैं ना, जो कि राशन फ्री आ रहा है 2 यूनिट 4 यूनिट 6 यूनिट, ये राशन और जो छोटी छोटी सुविधाएं और हैं भले ये बंद कर दें। यदि सरकार रोजगार के लिए अवसर पैदा करे, व्यवहारिक शिक्षा व्यापारिक शिक्षा ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा जो गरीब तबका होता है वो शिक्षा उसमें जाके, क्योंकि अब वो शिक्षा को व्यापार बना दिया है, चाहे वो कोई डिप्लोमा हो वो कर ही नहीं पाता, क्योंकि इतना शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि हर आदमी करने में असमर्थ है, वो वहाँ फेल हो जाता है, वहीं फिर वो मजदूरी पे वापस आ जाता है। यदि चिकित्सा और ये शिक्षा सरकार उस पर ध्यान दे, ये फ्री कर दे, तो नीचे का तबका भी आगे बढ़ सकता है और हमारे क्षेत्र उसमें रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वो आगे बढ़ेंगे। और अभी सुना था कि कुछ चाइना से बाहर से इंडस्ट्री वाले लोग आ रहे हैं, तो उनको निमंत्रण भी दिया है, तो वो यहाँ आए तो थोड़ा सा इंडस्ट्री वाले लोग आए, इंडस्ट्री लगें, लोगों को मतलब रोजगार उपलब्ध हो, तो लोग नीचे वाला तबका भी आगे बढ़ सकता है। तो ये आम लोग हैं जिन्होंने अपनी राय आपके सामने रखी। कुछ लोग चाहते हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार दोबारा वापस आए, कुछ लोग चाहते हैं कि केजरीवाल की सरकार उत्तर प्रदेश में एक बार जरूर आए। बुलंदशहर से लोकेश कुमार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। सरकार के 5 साल हो गए हैं, महंगाई अपने चरम सीमा पे है। आइए हम कुछ लोगों से जानते हैं कि गोरखपुर की स्थिति क्या है, क्या गोरखपुर में क्या महंगाई है और क्या सरकार की कितनी नौकरियां जो है 5 साल में जो वादा है सरकार ने किया था, वो क्या ये वादे पे खरा उतरे हैं कि नहीं। सरकार के 5 साल होने जा रहे हैं, इस पे क्या जो है महंगाई कितनी हुई है और क्या मतलब सस्ता हुआ है, क्या क्या बताया जाए। पेट्रोल आप देख ही रहे हैं, डीजल आप देख ही रहे हैं, ये किसानों की समस्या है। और जब पेट्रोल नहीं महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो पूरे हिंदुस्तान का हर सामान महंगा हो गया है। ये सरकार झूठ की फैक्ट्री चला रही है, अफवाह की फैक्ट्री चला रही है, जो दंगा की फैक्ट्री चला रही है, बाकी इसके जीवन कोई काम नहीं रह गया। ये सरकार क्या करेगी, नौजवान घूम रहे हैं, रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है, जो भुखमरी के कगार पर है, ठेला ठेली लगाए हुए हैं। यहाँ तो योगी जी कह रहे हैं कि सरकार जो है बहुत युवाओं को रोजगार लेके आ रही है, तो तमाम नौकरियां लेके आ रही है, क्या इसे कहेंगे? सर मैं क्या आपसे बताऊँ, आपसे मैं बता दिया कि झूठ की फैक्ट्री चला रही है सरकार, ऊपर से नीचे तक अफवाह फैक्ट्री चला रही है। मोदी मीडिया है, सच्चाई बता नहीं रही है। अभी बताइए आज के डेट में तालिबान आ गया, तालिबान से हमको क्या लेना देना है, और तालिबान परिवार को ये समर्थन दे रहे हैं, इस तालिबान से क्या मतलब है। ये मोदी मीडिया जो है ये महंगाई नहीं बता रही है, बेरोजगारी नहीं बता रही है। अच्छा, कुछ लोग जो है योगी जो है म्यूजिक और मोदी म्यूजिक के नाम से जो है प्रचार कर रहे हैं, क्या है युवाओं की बात करें तो क्या रोजगार पे क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र और प्रदेश में आई है, तब से केंद्र और प्रदेश खुशहाल रहा है। कहीं आप घोटाले का नाम नहीं सुन रहे होंगे, कभी ऐसा भी नहीं सुने होंगे कि कोई बहुत ज़्यादा चिकित्सा के अभाव में किसी की मृत्यु हो गई। या सरकार जो कि मूलभूत सुविधाएँ होती हैं, चिकित्सा शिक्षा यह सब सारी सुविधाएं सरकार फ्री में दे रही है। आज भी उत्तर प्रदेश में गरीब को इलाज के लिए कहीं भी 5 लाख तक रुपए का जो भी खर्च है वह सरकार दे रही है। अभी इतनी बड़ी कोरोना महामारी आया, उसमें भी सरकार ने किस तरह से ऑक्सीजन की व्यवस्था को मुहैया कराना रहा हो, या लोगों को बेड दिलवाने की बात, अभी इतनी बड़ी आफत जो कि पूरे विश्व में आई, उसके बाद भी यहाँ का जनसंख्या इतना ज़्यादा होने के बाद भी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने समूचे स्थिति को किस तरह से नियंत्रण में लिया, इससे आज पूरा विश्व सीख रहा है और शोध कर रहा है कि आखिर भारत में कोरोना क्यों नहीं फैल पाया। अच्छा, आप युवा हैं और सबसे बड़ी बात है युवाओं की नौकरी देने की बात, कितनी नौकरियां मिली है? आज ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, हर जगह नौकरियां मिल रही हैं। जो योग्य है, जो पढ़ रहा है, जिसके पास योग्यता है, जिसके पास क्षमता है, उसको नौकरी मिल रही है। आगामी 2022 का चुनाव आने वाला है, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियों में काफ़ी हलचल सी मची हुई है। सभी लोग अपनी अपनी पार्टियों को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं जानना चाहेंगे हम कि आखिर जनता की क्या राय है इसमें। आइए, मेरे साथ ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं और उनकी राय जानेंगे। भैया क्या नाम है? मनोज सिंह। मनोज जी, जानना चाहेंगे 2022 के चुनाव में आप किसको वोट देना चाहेंगे और किसकी सरकार होना चाहेंगे? भैया, अगर विकास का देखा जाए
तो विकास के मामले में अखिलेश यादव की सरकार बेहतर है। नहीं, पार्टी तो वैसे कुल मिला के ठीक है, लेकिन रोजगार है और विकास का कार्य है, ये थोड़ा स्लो है इस सरकार में। वही मेरे साथ कुछ तमाम और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है? राजीव रस्तोगी। राजीव जी, जानना चाहेंगे कि आगामी चुनाव में आप किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? बीजेपी की नहीं चाहेंगे, बीजेपी की सरकार में रोजगार खत्म हो गया सब। रोजगार खत्म, हाँ। और काम धाम पट विकास कार्य क्या उसमें, ये विकास क्या हो रहा है? अखिलेश सरकार में विकास ज्यादा था, वैसे इनने तो इनकी रोक लगाई, नौकरियों पर पढ़ाई लगाई तो पट करा दी। वही कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उनकी राय। क्या नाम है भैया आपका? रूपेंद्र कुमार नाम है। रूपेंद्र जी, जानना चाहेंगे आगामी 2022 के चुनाव में आपकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो वैसे देखो सपा की आनी चाहिए, बीजेपी वालों ने केवल उद्घाटन करा है, काम तो अखिलेश ने करा है और नौकरियां अखिलेश नहीं दी है। बीजेपी अब तक देख रहा है बरेली खोदी पड़ी हुई है चारों तरफ से, जो नाले भी बनने हैं उनमें ढाई ढाई सूत की जरिया लगाई जा रही है, बताओ वो क्या पानी रोकेंगे, क्या सपोर्ट करेंगे? वो आप तौर पर देखा जा सकता है कि जनता की अलग अलग राय है, किसी का कहना है कि विकास कार्यों की वजह से, किसी का कहना है कि पार्टी की अच्छाइयों को लेकर, वह पार्टी को जिताएंगे। बरेली से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए पवन कुमार। उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, जहां राजनीतिक पार्टियों से लेकर तमाम राजनीतिक दल और उनके नुमाइंदे अपने अपनी गोटियां बिठा रहे हैं, अपने अपने समीकरण बना रहे हैं। लेकिन इस बीच न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया मेरठ की शहर और दक्षिण विधानसभा सीट पर मौजूद है, यहाँ लोगों से यह जानने की कोशिश की जाएगी कि उनके क्या मामले हैं, उनके क्या मुद्दे हैं और उनके क्या कयास हैं। जो जनता इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद है उनसे यही चीज़ें जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें, इन दोनों सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ एक सीट से समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी शहर सीट से हैं, जबकि दक्षिण से भाजपा के सोमेंद्र तोमर हैं। दोनों ही विधानसभा के लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बताइए, आप ये बताइए, हम शहर विधानसभा में मौजूद हैं, आपका नाम क्या है और आप आगामी चुनाव जो हैं 2022 के, क्या आप सोचते हैं और इस विधानसभा के लिए क्या कहेंगे, इस विधानसभा के लिए आप? मेरा नाम आदिल सिद्दीकी है। देखिए, विधानसभा के अंदर एक तो विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़े हैं, शहर की सड़कों की हालत देख लीजिए कितनी खस्ता हालत है, सफाई कार्य कहीं भी नहीं हो रहा है, सफाई कहीं नहीं हो रही है। और रही बात व्यवस्था की, कानून व्यवस्था एकदम चौपट है, आप देख रहे कितनी हत्या लूट हो रही है शहर के अंदर, और जाम की स्थिति देख लीजिए, जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब से मतलब यह है कि शहर में हो या दक्षिण में हो, सारी व्यवस्था सड़कों की बदहाल बेकार है। सड़कों की अगर बात की जाए तो आप शहर से ताल्लुक़ रखते हैं? शहर विधान जी, मैं शहर विधानसभा में ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारे गड्ढा मुक्त का आश्वासन दिया था उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने, कोई गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है सड़कें, सब गड्ढे हैं। आप जाके गोलकुआ देख लीजिए, अपना जाके आप समर गार्डन कॉलोनी, अपना अंजुम पैलेस देख लीजिए, सारी सड़कें खस्ता हालात हैं, गड्ढे हैं बहुत बुरे। शहर विधानसभा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो बताइए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि विकास की तरफ जो है, जो भी हमारा चुन क्या है या जो लोग भी हमारे हैं, तो आगे अगर सत्ता बनानी है तो व्यापारी का पूरा ध्यान करना पड़ेगा। लॉकडाउन को लेके, नोटबंदी को लेके व्यापारी तराई तराई हो पड़ा है, और आने वाला टाइम अगर वो उसमें अच्छा सा करेंगे व्यापारियों के लिए, व्यापारी हितों में जो करेंगे काम, जैसे कि कहते हैं एक देश एक टैक्स, टैक्स के अंदर जो है संशोधन होना चाहिए। जब हम एक देश में रहते हैं तो एक ही टैक्स होना चाहिए, कई राज्यों में जो है अलग अलग टैक्स हैं, उससे व्यापारी बहुत परेशान है। क्या है, बिजली का मामला ले लो, बिजली के अंदर जो है जितनी बिजली उतना दाम, उसमें तरह तरह के टैक्स लगा दिए जाते हैं, तरह तरह के कर लगा दिए जाते हैं, इससे व्यापारी बहुत परेशान है। अच्छा, आप इस विधानसभा को लेकर क्या सोचते हैं, चुनाव सर पर हैं, आप क्या एक्सपेक्टेशन है इसको लेकर के? देखिए सर, मैं तो एक व्यापारी हूँ और व्यापारी की ही बात करूँगा, क्योंकि अभी आपने देखा 2 साल से कोरोना काल एक ऐसी महामारी आई और जिसमें व्यापारी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, व्यापारी कई कई महीने दुकानें बंद रहीं उनकी, और उसमें उसको कोई सुविधा नहीं मिली है कि बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए था, उन्होंने बंद दुकानों का बिजली के बिल दिए, और उन्होंने अपने जो दुकान पर वर्कर हैं उनकी पूरी तनख्वाहें दी हैं उन्होंने, और लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए व्यापारी एक ऐसा व्यापारी वो है व्यापारी जो कि हर कोई जानता है कि वो सरकार की रीढ़ की हड्डी है। व्यापारी टैक्स देता है, टैक्स से ही सभी को सुविधाएं होती हैं और व्यापारी को कोई सुविधा नहीं मिली। और मैं ये चाहता हूँ जो भी यहाँ पर विधानसभा में जो भी विधायक आएँ या जो भी सांसद साहब जो भी विधायक आएँ,
और उनसे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वो व्यापारियों की तरफ ध्यान दें और व्यापारियों को सुविधाएं दिलाएं। अच्छा, आप तमाम मुझे व्यापारी मिल रहे हैं, ये बताइए आप कौन सी विधानसभा ताल्लुक रखते हैं? शहर सीट से ही हैं जी हम। शहर से रखते हैं? अच्छा, विधानसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में शहर सीट एक जिम्मेदारी है क्योंकि समाजवादी पार्टी के यहाँ पर विधायक हैं, तो इसको सिटिंग MLA जो है उनको बचाना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि काफ़ी हद तक जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो शायद नहीं हो पाए हैं। जाम की समस्या, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, बिजली के बिल जो लोग बता रहे हैं, चूँकि वो बुनकर समाज से आते हैं, तो ऐसे में बुनकर समाज की सब्सिडी मिलती थी वो भी खत्म हो गई, क्या कहेंगे आप तमाम चीज़ों को? ऐसे में वो जो वोटर है वो घूम रहा है, वो सोच रहा है क्या करना चाहिए, आगे क्या रणनीति बनानी है, लेकिन इस टाइम जो है कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, व्यापारी जूझ रहा है, व्यापारी की लड़ाई अपने कारोबार से है, कारोबार है नहीं, मंदी की मार बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्शन की तो हम दिमाग में जब डालेंगे जब पहले अपने कारोबार को सही करें, और कारोबार की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा डाउन है, सरकार इस बारे में बिल्कुल सोच नहीं रही है, बल्कि और जो उद्योग हैं उन्हें भी खोल देते हैं और दुकानें, जब से सबसे पहले जो होता है बस व्यापारी का ही लॉकडाउन होता है, व्यापारी की दुकान बंद कर दीजिए, व्यापारी के लिए कोई सुविधा नहीं है, टैक्स की अगर कोई बात आ गई तो व्यापारी पर आ गई, किसी भी तरीके की व्यापारी को सुविधा नहीं है किसी भी तरह की। तो आप ये तमाम समस्या बता रहे हैं, जिम्मेदार हैं आप इलाके के, क्या विधायक जी से कभी बात हुई हो, कभी इलाके में आए हो, कभी इस बारे में चर्चा हुई हो? नहीं, विधायक जी से बात हुई थी, विधायक जी कह रहे हैं भाई जो दक्षिण के विधायक हैं वो सड़कें ज़्यादा ख़राब हैं, शहर की सड़कें सही हैं, शहर की सही के मैं सही कराऊंगा। ये तो एक दूसरे के पाले में बोल डालने वाली बात हो गई, अपनी सही कराइए दूसरे की तो देखी जाएगी ना। जी नहीं नहीं वो तो हमने कहा था, शहर विधायक से हमने कहा था, उन्होंने आश्वासन दिया है। ठीक है, आश्वासन मिलते रहते हैं, 4.5 साल बीत गए, कुछ ही महीने बाकी हैं और चुनाव आने वाला है, ऐसे में कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या उनका कहना है, विधानसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में क्या लोग चाहते हैं, किस तरीके की मांग रखते हैं, ये बताइए। आप विधानसभा चुनाव सर पर है, आप क्या चाहते हैं, कैसा विधायक होना चाहिए, बता सकते हैं कुछ? कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, पूछ लेते हैं जरा कैसा विधायक लोगों को चाहिए और किस तरीके के काम होने चाहिए, पूछ लेते हैं। हम इस वक्त जिस जगह मौजूद हैं, ये काफ़ी व्यस्त इलाका है, आप देखेंगे यहाँ तस्वीरों में, यहाँ जो व्यापारी वर्ग है वो मौजूद है, जान लेते हैं तमाम जो लोग हैं उनसे बात करते रहते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सर पर चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, आप कौन सी विधानसभा ताल्लुक रखते हैं, बताते हैं कौन सी विधानसभा ताल्लुक रखते हैं आप, कौन सी विधानसभा आते हैं? हम ये वाली दक्षिण शहर, कौन सी शहर? अच्छा, ये बताइए आपके इलाके में क्या समस्याएँ हैं? हमारे इलाके में समस्या बस अब तो रोड की है, सड़क की है, और थोड़ा ये बैरिकेड लगे हुए आगे रोड पे, उसकी परेशानी है, कस्टमर जैसा आता है तो वो परेशानी आती है रोड क्रॉस करने में। अच्छा, आप इस बार जब आप वोट करेंगे तो क्या जहन में लेके करेंगे, क्या दिमाग में है कि भाई हमारा विधायक कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? हमारा विधायक तो ये होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मतलब कि जैसा कि जो काम जो सरकार काम करेगी हम तो वोट उसे देंगे ना, हमें ऐसा नहीं कि कौन कैसा कैसा नहीं, यह है कि जो काम करेगा, जैसे अखिलेश काम कर रहा था तो हम भी चाहेंगे कि अखिलेश सरकार ऐसी आए जो काम करें। आपके इलाके में क्या समस्याएं हैं, क्या सोच रहे हैं आप विधानसभा चुनाव के बारे में जो आने वाला है? भैया, विधानसभा चुनाव तो यह है कि बस इसमें थोड़ी सी दिक्कतें व्यापारी को आ रही हैं, और तो कुछ नहीं। अच्छा, काम भी हो रहे हैं बहुत, ऐसा भी नहीं है, सरकार काम भी बहुत कर रही है। क्या आपकी नज़रों में क्या काम हुए सरकार में, बढ़िया जो अच्छे काम हुए बताइए। भैया, आए दिन फ्लाई ओवर बन रहे हैं, रोडें भी हो रही हैं, तो ये एक अजीबोगरीब बात देखने को मिलती है कि सरकार तो ऐसी ही चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर है, लेकिन अगर विकास कार्यों की बात की जाए तो विकास कार्य नहीं हुए हैं, और जो विधायक हैं वो इलाकों में नहीं पहुंचते, जनता से नहीं मिलते, इस तरह के आरोप लोगों के हैं, वोटर्स के हैं। लेकिन जाहिर तौर पर इस बार जो जनता का मूड है वो यही है कि आने वाले चुनाव में वह विकास कार्यों को लेकर ही आगे वोट करेंगे। हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के समीकरण यही कहते हैं कि यहाँ पर जाति और धर्म देखकर वोट किया जाता है, लेकिन आगामी चुनाव में जिस तरीके की बात लोग कर रहे हैं, माना यह जा रहा है कि इस बार कम से कम विकास को लेकर के लोगों के जहन में वोट करने का जो उन्होंने मन है वो बना लिया है। अपने सहयोगी अनमोल गर्ग के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मेरठ।
इन चार जिलों की जनता का मूड आपने जाना है। किसी को कमल खिलाना है, किसी को साइकिल की सवारी करनी है, किसी को हाथी पर सवार होना है, तो किसी को हाथ का साथ देना है। लेकिन आगे चल के ऐसे तमाम ज़िले हैं जिसका हम रुख करेंगे और लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि आखिरकार जनता के मूड में क्या है। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।